हेलो फ्रेंड्स, शुभम्स कुकबुक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज अपने किचन में मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग, जो कि नॉर्थ इंडिया का, स्पेशली पंजाब का एक बहुत ही फेमस डिश है। और ठंड के मौसम में मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग का कॉम्बिनेशन तो वाह, क्या कहने। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सरसों का साग। 1:1 के रेशियो में हम लेंगे सरसों का साग और पालक का साग। मैं ले रही हूँ 200-200 ग्राम दोनों ही। और आप चाहें तो 100 ग्राम या 50 ग्राम सरसों के साग की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको सरसों के साग का एक जो पंजन सा फ्लेवर होता है अगर वो पसंद है तो। इसके साथ ही चाहिए हमें कुछ मसाले, और क्या क्या चाहिए आइए देखते हैं। 1/4 टीस्पून मेथी के दाने, 2 से 4 हरी मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार ले लें, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, और एक मीडियम साइज का बारीक प्याज कटा हुआ, बारीक कटी हुई 1/2 टीस्पून लहसुन और बारीक कटी हुई 1/2 टीस्पून अदरक, जैगरी लेंगे 1/4 कप, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, हींग पाउडर लेंगे 2 से 3 चुटकी, और 2 टोमेटो हमने लिए हैं और इसको हम प्योरी बना लेंगे पीस के, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और नमक स्वाद के अनुसार, और 1/4 कप यानी कि 50 ग्राम ताजा पनीर लेंगे। और तड़के के लिए हमें चाहिए लगभग 25 ग्राम बटर और 2 लाल सूखी मिर्चें। तो एक बर्तन में सबसे पहले पानी गर्म करें और उसमें ये कटे हुए सरसों के साग और पालक के साग को डाल दें, और लगभग 15 से 20 मिनट तक मीडियम आंच पर इसको पकने दें, जिससे ये पूरी तरह से पक जाएगा। और इसको खुला ही पकाएं, इसको ढके ना, इससे इसका ग्रीन जो कलर एक अपना नेचुरल होता है वो ख़त्म नहीं होगा और ये बिल्कुल ही ग्रीन रहेगा। और इस बर्तन में मैंने 2 कप पानी डाला था। ओके, इसमें थोड़ा नमक भी डाल दें स्वाद के अनुसार, और इसी तरह से इसको बीच बीच में चलाते हुए पकने दें 15 से 20 मिनट। और उसके बाद इसको पूरी तरह से ठंडा करके एक मिक्सी में अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लें। एक पैन को गर्म करें और उसमें डालें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, आप चाहे तो घी या बटर भी डाल सकते हैं। और जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें हम 1/4 चम्मच मेथी के दाने डाल देंगे और इसे तकरीबन 2-4 सेकंड तक भुनेंगे। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1/2 टीस्पून अदरक और 1/2 टीस्पून लहसुन, आप चाहे तो पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची डाल देंगे और प्याज भी डाल देंगे और 2 मिनट तक इसको भुनेंगे। इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा मक्खन। ट्रेडिशनली ये सरसों का साग जो पंजाब में बनता था पहले, वो पूरे बटर या घी में ही बनता था, मगर आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो तेल का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। अच्छा, इसमें 2 से 3 चुटकी हींग डालेंगे, हींग पाउडर एसाफेटिडा। अब ये प्याज हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, और अब इसमें हम ये जो 2 टमाटर की प्योरी बनाई है उसको हम डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पर चलाते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट तक पकने दें। और जब आप देखेंगे कि ये पैन इस टमाटो और अनियन के मिक्सचर से तेल छोड़ने लगा है, तो हम इसमें बाकी के ड्राई मसाले डालना शुरू करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और इसे अच्छी तरह से मिला दें और अगले 2 मिनट तक इसको चलाते हुए भुनने दें, जिससे कि मसाले का एक अच्छा सा फ्लेवर आपके सरसों के साग में आएगा। और अब इसमें हम मिलाएंगे ये सरसों का साग और पालक का साग का प्योरी जो हमने बना के रखा है, और इसको अच्छी तरीके से मिला के अगले 2-3 मिनट तक इसको मीडियम आंच पर ही पकने दें। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप पनीर, ये मेरा होममेड पनीर है, और इसको अच्छी तरीके से मिला दें। अब इसमें जैगरी यानी कि गुड़ भी डाल देंगे, इसको करें अच्छे से मिक्स और एक ढक्कन से ढककर इसको अगले 2 मिनट तक अच्छे से पकने दें। और ये 2 मिनट के बाद हमारा सरसों का साग ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, आंच को कर दे बंद। और अब हम इसमें तड़का लगाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा पैन गरम करें और उसमें बटर डालें और 2 लाल मिर्चें डालें और इसको अच्छी तरीके से पकने दें। जब ये लाल मिर्चें लगभग ब्राउन हो जाए तो इसको सरसों के साग के ऊपर से तड़का लगा दें और इसको गर्म गर्म सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, या फिर ट्रेडिशनली मक्के की रोटी के साथ। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक बटन हिट करें, शेयर करें ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपसे मिलूंगी मैं अपनी अगली रेसिपी के साथ जो कि कुछ खास होगा। तब तक के लिए बाय बाय।